हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे पीसी या कंप्यूटर या लैपटॉप में उसके जो सीरियल नंबर होते हैं वो कैसे देखते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे, तो चलो वीडियो में जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे विंडो 11 हो, सभी में सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। गाइज, स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर आपको कीबोर्ड से टाइप करना है CMD। CMD जैसे टाइप करेंगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट की टैब है, ये सामने आपके शो हो जाएगी। इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको क्लिक करना है। गाइज, जैसे इस क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको यस के लिए पूछे, तो इसको एस कर देना है। जैसे यस के लिए करेंगे इसको, ये ब्लैक सी विंडो ओपन हो जाएगी। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, तो इस पर आपको कमांड लगानी है WMIC BIOS, उसके बाद GET SERIAL NUMBER WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर, ये टाइप करने के बाद में एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो गाइज, आपके सामने आपका जो भी लैपटॉप है या पीसी है या कंप्यूटर जो भी है उसका आपको यहाँ पे सीरियल नंबर शो कर देगा। तो गाइज, इस प्रकार से आपका जो लैपटॉप है उसका पीसी का जो सीरियल नंबर वगैरह, उसका स्टिकर फट गया है या और कुछ कारण से सीरियल नंबर बॉडी पे नहीं नज़र आ रहा है, तो इस प्रकार से आप अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप का सीरियल नंबर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसी नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।